हाय, वेलकम टू द पार्ट टू ऑफ मेंटल कैलकुलेशन ट्रिक्स। अगर आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो जाए, यूपीएससी, बैंक, एसएससी, या फिर एमबीए एंट्रेंसेस हो जाए, कैट, सीमेट, स्नैप, एनमेट, या फिर अगर आप अब्रोड जाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जीआरई, जीमेट, सेट, ये सब एग्ज़ाम में आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और हर एक एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है बेसिक मेथड जो होती है मेंटल कैलकुलेशन शॉर्टकट्स। तो ये जो बेसिक मेंटल कैलकुलेशन शॉर्टकट है वो हर एक एग्ज़ाम में ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है भाई, इसके लिए मैंने एक पूरा फर्स्ट वीडियो ले चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे आई बटन दे देता हूँ, फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो मेंटल कैलकुलेशन शॉर्टकट्स है वो एक ऑर्डर में आप इजीली लर्न कर सकते हो। तो पहला वीडियो देखा होगा तो ही सेकेंड वीडियो आप आसानी से समझ पाओगे और उसको आप रियल लाइफ में प्रैक्टिस भी आसानी से कर पाओगे। ऑलराइट, तो ये पूरे शॉर्टकट्स में हमने पहले वीडियो में देख लिया था प्लस एंड माइनस कैसे होता है, फटाफट कैसे कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के शॉर्टकट्स के बारे में, जो कि आपको किस तरह से प्रैक्टिस करना है। हाय, मैं हूं भाविक ठक्कर और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीटीट्यूड चैनल। ऑलराइट, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्रैमिंग। आपको वो बेसिक चीज़ें रट्टा मारनी पड़ेगी जो मैं हर वक्त बता रहा हूँ, जैसे कि टेबल्स आने चाहिए 1 से लेकर 20 तक, 1 से 25 के स्क्वायर, 1 से 12 तक के क्यूब, कुछ पावर, जैसे 2 की 1 से 10 तक कोई भी पावर मैं पूछ लूँ, 2 की 5 पावर तो 32, 2 की 7 पावर 128, 2 की 10 पावर 1024, ये सब आना चाहिए, या 3 की कोई भी पावर 1 से 6 तक कुछ भी पूछ लूँ, 3 की 5 पावर तो 243, ये सब आपको आना चाहिए, है ना। उसी तरह से 4 की 1 से 5 तक कोई भी पावर, 4 की 4 पावर तो 256, 4 की 5 पावर तो 1024, 5 की कोई भी पावर, 5 की 4 पावर, है ना। तो जितने तक की पावर बोलिए वो सब आनी चाहिए। और फैक्टोरियल, जो मैंने पहले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ ये क्या है, इनकेस नहीं देखा तो देख लीजिए, अलग अलग फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल तो करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, 7 × 6 × 5 = 4321, नहीं, 5040 पता होना ज़रूरी है। तो ये बेसिक रट्टा मारोगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी और आज का वीडियो जो है वो समझ में भी इजीली आएगा और आप उसको रियल लाइफ में खुद प्रैक्टिस कर भी पाओगे। तो समझते हैं आज हमें क्या करना है भाई, फर्स्ट वीडियो ज़रूरी है, ये आएगा तो ही आज का, प्लस माइनस ही नहीं आएंगे तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, है ना। तो प्लस माइनस क्लियर करना है, मल्टीप्लिकेशन देखिए कैसे करना है। पहले 2 डिजिट मल्टीप्लाइड बाई 1 डिजिट, है ना, वापस जैसे आपको पता है लॉजिकल तरीके से करना है, कोई ट्रिक नहीं होगी, लॉजिक होगा, क्योंकि लॉजिक डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है। सो 27 × 8, देखिए बहुत सारे तरीके हैं, मैं 30 × 8 − 3 × 8 कर सकता हूँ, समझ में आ रहा है, यानी 240 − 24 = 216, समझ में आ रहा है, वापस समझिए, मैं ये सब माइंड में करना है, 30 × 8 − 3 × 8, आगे की प्रैक्टिस होगी तो ही ये होगा, 30 − 3 होता है 27, तो वही चीज़ मैंने की है, तो 240 − 24 तो 216, एक तरीका, ऐसा ही नहीं था। अगर 25 का टेबल मुझे आसानी से आता है तो मैं सोचूंगा 25 × 8 = 200 + 2 × 8 = 16, और भी इजी है। अगर 25 का टेबल आता है तो मैं इसको करूँगा 25 + 2, यानी 25 × 8 + 2 × 8, पर ऐसे सोचना है, इसी से लॉजिक डेवलप होता है, कोई ट्रिक नहीं भाई, जस्ट उसकी प्रैक्टिस। तो 200 + 16 = 216, या तो मैं जैसे बोला ऐसे भी कर सकता था, 20 × 8 + 7 × 8, है ना, 27 को मैं ऐसे भी देख सकता था और दोनों को ऐड कर लेता, 160 + 56 तो भी तो 216। तो तरीका एक ही नहीं है, दो भी नहीं है, है ना, तीन तीन तरीके आपको मिले, जिस तरह से भी आप समझ पाओ, पर लॉजिकल तरीके से सोचना है, जैसे मैंने किया। फॉर एग्ज़ाम्पल 210 + 42 = 252, है ना, समझ में आ रहा है, 210 + 42, वही किया मैंने, 30 × 7 + 6 × 7, पर सब माइंड में। शुरू में हो सकता है कि ट्रेडिशनल मेथड से ज़्यादा टाइम जाए, गलतियाँ भी हो, पर प्रैक्टिस करने से ही तो आपका माइंड ट्रेन होगा। वापस 50 × 9 − 2 × 9 = 432, है ना, तो वापस 50 × 9 = 450 − 2 × 9 = 1850 − 18 =
432 पर प्लस माइनस की प्रैक्टिस की होगी तो आपके दिमाग में ये सब चीज़ें ऐसे आएगी, है ना। चलिए 50, ये भी 360 माइनस 12 348 है ना वापस। तो इस बार मैं थोड़ा माइनस वाला खेल रहा हूँ कि 60 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 6 360 माइनस 12 वापस। मैं 50 इंटू 6 300 प्लस 48 ऐसे भी कर सकता था, है ना। 50 इंटू 6 प्लस 8 इंटू 6 तो बहुत ही आसान है, पर लॉजिकली कर रहे हैं, है ना। तो ये ज़रूरी है। 490 में 7 कम 483 है ना। बस ऐसे दिखना चाहिए एज इफ़ यू नो द टेबल। टेबल तो आती नहीं है, बट हम कर रहे हैं 70 इंटू 7 माइनस 1 इंटू 7 है ना। 490 माइनस 7 483, 480 में से 12 कम 468 है ना। तो वापस 80 इंटू 6 480 माइनस 2 इंटू 6 है ना। पर ये माइंड को थोड़ी प्रैक्टिस करनी है कि ये सब चीज़ें माइंड को दे दो भाई, वो थोड़ा लॉजिक करे, याद रखे चीज़ों को इन बिटवीन की। अच्छा हमें दिक्कत क्या होगी, 80 इंटू 6 तो कर लिया, 480 2 इंटू 6 करते हैं तो भूल गए कि आगे आया था क्या। तो प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है और उसी से तो आपकी वर्किंग मेमोरी इंप्रूव होगी, है ना। यहाँ पे 720 प्लस 54 774 है ना। तो वापस इसमें मैंने कर लिया, प्लस कर लिया 80 इंटू 9 प्लस 6 इंटू 9 720 प्लस 54 तो 720 प्लस 54 774। यहाँ पे भी 720 प्लस 24 744 है ना। सो 90 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 8 बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, बाकी कुछ भी तो है नहीं, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। सो 720 प्लस 24 744। अब आया दो डिजिट वाला नंबर। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बेसिकली एक मेथड तो वही है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, उसमें दो अलग अलग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 23 इंटू 40 माइनस 23 इंटू 3। देखिए दो तीन तरीके से समझाता हूँ, वैसे मैं कितना टाइम लगता है वो पहले समझ लेते हैं। तो मैं करता तो मुझे टाइम कितना लगता, 740 प्लस 111 851, बस इतना टाइम लगता है ना। अब मैंने किया कैसा, मैंने किया 37 इंटू 20 प्लस 37 इंटू 3 है ना। क्योंकि मैं बहुत बार ये सब चीज़ें कर चुका हूँ, मुझे 37 इंटू 3 तो मतलब मुझे कॉन्शियसली करना भी नहीं पड़ता कि 30 इंटू 3 90 प्लस 21, क्योंकि दो डिजिट इंटू वन डिजिट इतनी बार कर चुका हूँ कि वो फटाक से दिमाग में आ जाता है। समझ में आ रहा है कि 90 प्लस 21 111, ऐसा करना भी नहीं पड़ता, उतना सब कॉन्शियसली हो जाता है बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। और आपका माइंड भी उसी तरह वर्क करेगा, प्रैक्टिस करनी है। अब आपके ब्रेन को चांस तो दो, वो कितना पावरफुल है आपको पता ही नहीं है, है ना। वो बहुत पावरफुल है जैसे मैंने बोला, लेकिन स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करनी है। पहला वीडियो देखा होगा, बाद में ही ये दूसरे वीडियो पे आना है। तो वापस 37 इंटू 23 का मैंने दो टुकड़े कर दिए, 20 एंड 3 है ना। तो 740 प्लस 111 तो 740 प्लस 111 851। या तो फिर अगर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 23 इंटू 40 माइनस 23 इंटू 3, क्योंकि 37 क्या होता है, 40 माइनस 3 भी कर सकते हो। तो 920 माइनस 69 यानी 900 माइनस 49 यानी 851। हाँ वही तो आ गया, है ना। तो एक और तरीका था, और एक और तरीका बताता हूँ। तो ये लॉजिकल तरीका है, आई वुड सजेस्ट कि ये आप कर लो, लेकिन दूसरा क्या कर सकते हैं, देखिए आप इसको अगर आप थोड़ा समझो तो आप 20 प्लस 3 बोल सकते हो, इसको 30 प्लस 7 बोल सकते हो। अब देखना है यहाँ पे, ये a प्लस बी एंड मान लो b प्लस सी या c प्लस डी। a प्लस बी तो पहले क्या करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना। 20 इंटू 30 600, फिर 20 इंटू 7 30 इंटू 3 यानी 140 प्लस 90 प्लस 230 प्लस 3 इंटू 7 21 तो 830 प्लस 21 851। अब ये वैसे थोड़ा लंबा लग रहा है, पर आपको इस तरह लिखना नहीं है। अगर आपने ये चीज़ याद रख ली तो अब देखिए मेंटली कैसे करेंगे, कितना सारा लिखना तो है नहीं। मैं क्या करूँगा, ये 20 और 30 600 तो है ही, साथ ही समझो मेरे दिमाग में आ जाएगा 600। फिर क्योंकि ये मुझे इस तरह लिखना नहीं है तो मैंने थोड़ा अंदर से थोड़ा बेसिक रट्टा मार लिया है। बेसिक कुछ तो रट्टा मारना पड़ेगा, या तो ऐसे लॉजिक टोटल लॉजिक से करो, पर काफ़ी बार स्टूडेंट को दिक्कत होती है। तो एक और तरीका देता हूँ, या तो बहुत अजीब से नंबर हो तो भी ये काम आता है, मैं खुद भी कोई बार ये कर लेता हूँ। अंदर अंदर वाले और बाहर वाले वाले नंबर का मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, क्योंकि वही हो रहा है ना। देखिए 20 इंटू 7 एंड 30 इंटू 3,
सो 20 × 7 एंड अंदर अंदर वाले 3 × 3, तो अंदर अंदर वाले 9 और 14, 23, वो 230 हुआ, है ना, क्योंकि एक्चुअली 20 × 7 था और 30 × 3 था। तो वापस समझिए, अंदर अंदर वाले और बाहर बाहर वाले का मल्टीप्लाई कर दो और इंटू 10 कर दो, 9, 14, 23, तो 230, तो 600 तो था ही, ये 230 आया, और लास्ट लास्ट वाले 3 × 7 = 21, तो 851। समझ में आ रहा है? और देखिए एक और भी तरीका, लोग इसको पूरा अगर रट्टा पूरा ही मारना हो तो भी एक तरीका है, वो भी बता देता हूँ। 23 × 37, देखिए पहले क्या करना है, लास्ट लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करो, 3 × 7 = 21 का 1, 2 कैरी, भाई ये ट्रेडिशनल मेथड की तरह ही है पर थोड़ा जल्दी, उसमें भी थोड़ा जल्दी, एक टाइप का रट्टा ही है, एक टाइप का मेथड ही है, यही मेथड है, करते यही है, पर अगर आपको ये लॉजिकली नहीं करना, भाई लॉजिकली करना ये तो तरीका होना चाहिए, इस तरह थोड़ी प्रैक्टिस करनी है लॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, तो ये तो थोड़ा करना ही है प्रैक्टिस, पर काफ़ी बार कोई अजीब से नंबर आ जाए और आपको लगे यार 2 डिजिट × 2 डिजिट थोड़ा टफ, 87 × 89 हो, वैसे वो भी कर सकते हैं, पर फिर भी आपको कभी एग्जाम प्रेशर में लगे कि लॉजिकली नहीं करना है, पर लॉजिकली अभी प्रैक्टिस करना है माइंड की ट्रेनिंग के लिए, पर फिर आपको काफ़ी बार एग्जाम में लगे कि नहीं सर उससे थोड़ा मुझे डाउट रहता है, तो यहाँ पे या तो मिस्टेक हो ही जाती है, तो यहाँ पे लास्ट लास्ट को मल्टीप्लाई, 7 × 3 = 21 का 1, 2 कैरी था, और अब वही अंदर अंदर वाले 3 × 3 = 9, 7 × 2 = 14, 14 और 9 = 23, और वो 2 कैरी था, है ना, वापस 3 × 7 = 21 का 1, वो 2 कैरी में लिख देता हूँ आपको, भूल ना जाओ, 2 कैरी फॉरवर्ड हुआ, 3 × 7 = 21 का 1, 2 कैरी, अब अंदर अंदर वाले 9 + 14 बाहर बाहर वाले, तो 14 और 9 = 23, और ये 2 = 25 का 5, 2 कैरी, और अब फर्स्ट फर्स्ट वाले 2 × 3 = 6, और वो 2 = 8, है ना, हर एक क्वेश्चन और कराता हूँ तो आपको पता चले, देखिए लॉजिकली तो करना चाहिए, उससे लॉजिक तो आपका उसी से डेवलप होगा। हाँ, स्पीड के लिए कोई बार आप वो कर सकते हो, जैसे इसमें भी मैं करता 36 × 6 = 2160 + 144 = 2304, है ना, तो ये ऐसे हो जाता है। वापस मैंने क्या किया, 36 × 60 + 36 × 4, क्योंकि प्रैक्टिस है तो मुझे 36 × 6, मुझे अभी वापस ये भी नहीं करना पड़ता कि 30 × 6 + 6 × 6, इतने सारी बार लाइफ में कैलकुलेशन किए क्वेश्चन एग्जाम में कि याद ही रह गया 36 का टेबल भी, कि 36 × 6 = 216 होता है, तो 2160 प्लस, क्योंकि इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी प्रैक्टिस अलग लेवल की है, तो इसलिए मैंने फिर वो एक रट्टा वाला मेथड दिया है, पर ट्राई करना इस तरह से प्रैक्टिस करने की, ट्राई करना 36 × 4 = 144, है ना, तो ऑब्वियसली 2304, जब उस दोनों को ऐड कर दिया तो 2304, ठीक है। तो वापस वो जो दूसरी प्रैक्टिस थी वो वापस करा देता हूँ, कि भाई आपको ये वापस ट्रेडिशनल तरीके से लिख के करने में तो टाइम बिगड़ेगा, 4 × 6, पहले लास्ट लास्ट 4 × 6 = 24 का 4, 2 कैरी, अब देखिए अंदर अंदर 12 और 36 = 48, है ना, 4 × 3 = 12, और ये 36 × 12 = 48, और ये 2 तो था 50 का 0, अब 5 कैरी, ये भूल जाओ, अब 5 कैरी है, अब फर्स्ट 6 × 3 = 18, और ये 5 = 23, तो लास्ट लास्ट, पहले लास्ट लास्ट, फिर अंदर अंदर बाहर बाहर वाले का एडिशन, और फिर फर्स्ट फर्स्ट, तो ये रट्टा हुआ। वैसे इसका रीज़न यही है जो मैंने आपको बोला, नॉर्मल मैं करता तो क्या करता, देखिए लास्ट लास्ट 36 और 12 = 48, यानी 480 और ये 1800, 1280 और 24 1280, मैं भी कुछ गड़बड़ कर गया, अरे 2280 था, 2280 + 24, तो 2304, है ना, बात वही है, लेकिन ये रट्टा है वो उसी चीज़ का a + b c + d करके मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड बनता है। वापस एक चीज़ समझाता हूँ, वैसे नॉर्मली तो मैं इसको कर लेता 61 × 50, 3050 में से 186 माइनस, यानी 3050 में से 2850 + 14 2864, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने किया 61 × 50 - 61 × 3, है ना, और फिर भी मैंने क्या किया, देखिए ये 60, ये तो जब हो गया कि ये 3050, ठीक है, -186, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले -200 कर लिया, 3050 -200 और +14 कर लिया, है ना, तो ये सब माइंड में किया,
तो माइंड को कितनी ट्रेनिंग हो गई, कितना लॉजिक डेवलप हो गया है ना, कि जब प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले बड़े क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा माइंड शार्प हो चुका होगा। उसके लिए प्रैक्टिस करें। आप बोलो सर ये तो मैं कर लूँगा नॉर्मली ट्रेडिशनल मेथड से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कर सकते हो, पर अगर इस तरह से आपने सोचा है तो आपका माइंड की एक शार्पनेस, एक प्रैक्टिस बनती है जो आपको आगे जाके लर्न करने में बहुत हेल्प करेगी, है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वाइप ऑन वाइप ऑफ वाला जो मेरा मेथड था वो करो, है ना। जिसने पहला वीडियो देखा है उनको पता है वाइप ऑन वाइप ऑफ क्या है, तो वो करना है। तो वापस देखिए, तो ये मैंने किया 2850 प्लस 14 तो 2864, है ना, पूरी मेहनत से किया। हाँ ऐसा भी कर सकता था कि 47 इंटू 60 प्लस 1 प्लस 47, और ये आसान है, 300 में 18 कम 2820 प्लस 47, 2820 प्लस 47 2867, कुछ गड़बड़, अरे कहाँ गड़बड़ कर दी, नहीं यहाँ पे ही गड़बड़ है, यहाँ पे एक सेकेंड कुछ मेरी ही गड़बड़ हो गई, यहाँ पे एक्चुअली गड़बड़ हुई। ये तो सही है 2867 ही तो होना चाहिए, यहाँ पे मैंने 4 क्यों बोल दिया भूल से भाई, एक सेकेंड 61 इंटू 50 3050 और माइनस, अरे 183 था, हाँ 183 था सॉरी, ये 183 था तो फिर इसलिए यहाँ पे 17 प्लस करेंगे तो 2867 होगा, है ना, सॉरी अबाउट दैट, तो 2867। तो यही देखिए इसमें मिस्टेक, थोड़े कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, है ना, क्योंकि बात करते करते मैं कर रहा हूँ, एक आध मिस्टेक है ना टॉलरेबल है। तो यहाँ पे वापस, तो एक दूसरा तरीका भी था, है ना, उसमें एकदम सही आंसर, और ये एक्चुअली बेहतर था क्योंकि इसमें माइनस नहीं करना था प्लस करना था, प्लस वाला हमेशा आसान होता है, माइनस में कहीं ना कहीं थोड़ा भी कॉन्सेंट्रेशन लैप्स हो जाए तो गलती हो सकती है। वैसे मेरा तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ही थोड़ी गड़बड़ कर दी थी मैंने, क्लियर है ना। तो दोनों तरीके थे, और हाँ ऑफ कोर्स आपका जो वो वाला मेथड है, जैसे हमें पता है 47 इंटू 61 जो रट्टा मारा मेथड, 7 इंटू 17 अंदर 42 प्लस 4 46 का 6 4 केरी 4 इंटू से 24 और वो 4 28, तो इसमें कभी मिस्टेक नहीं होती, वो चीज़ है ना। पर लॉजिक के लिए ये प्रैक्टिस करना, चाहे भले आप फिर ये रट्टा वाला लगा दो, क्योंकि ये रट्टा वाला नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड का शॉर्टकट तो है ही, और इस तरह करने से भी शायद इसमें ज़्यादातर जल्दी हो जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि ये आप रट्टा मार लो, पर इस तरह थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, उससे आपका माइंड का लॉजिक डेवलप ज़रूर होगा, है ना। अच्छा चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, 54 मल्टीप्लाइड बाई 88, इसको मैं कैसे करूँगा, 54 इंटू 9 540 माइनस 54 500 माइनस होता 4860 माइनस 108 4752। तो देखिए पूरा माइंड में कैसे किया मैंने, 54 इंटू 90 माइनस 54 इंटू 2, है ना। अब 54 इंटू 90 वापस ये पूरा माइंड में मैंने किया कि 54 इंटू 10 माइनस 54, ये 54 इंटू 9 हुआ, ये पूरे को इंटू 10 कर देते हैं तो 54 इंटू 90 हुआ और माइनस 108, तो ये 540 माइनस 54, वापस 540 माइनस 54 था तो 500, तो वापस ये देखिए कैसे किया, 540 माइनस 54 इंटू 10 था तो मैंने किया पहले 540 माइनस 40 माइनस 14, है ना, 54 के दो टुकड़े कर दिए और इंटू 10 किया तो 540 माइनस 40 500, 500 माइनस 14 486 तो 4860 माइनस 108 तो 4752। तो ये पूरा आंसर देखिए मैंने इतना सारा माइंड में किया, और जब आप इतना सारा माइंड में कर सकते हो जो प्रैक्टिस की मैंने, तो आप सोचो लॉजिक किस लेवल का है ना, वो माइंड की एफिशिएंसी कितनी बढ़ गई, और वो एफिशिएंसी आपको आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आएंगी ना, और टॉपिक के कॉन्सेप्ट आप फटाफट समझ पाओगे, बस उस लिए मैं बोलता हूँ। बाकी फट पक्का आप ऐसा अभी एग्जाम में अगर आए तो आप ऐसा रट्टा मार सकते हो 54 इंटू 88, जैसे हम कर रहे हैं कि लास्ट डिजिट इंटू लास्ट डिजिट 32 का 2 3 कैरी, फिर अंदर वाले 32 और 40 72 और ये 3 75 का 5 7 कैरी, और फर्स्ट 40 और ये 7 47, देखो सेम आंसर जो उधर था, है ना। भले आप इस तरह से ना करो पर इस तरह की प्रैक्टिस कर लो, आपका माइंड का डेवलपमेंट एक अलग ही हो जाएगा। यहाँ पे मैं कैसे करूँगा, तो 67 इंटू 60 यानी कि 3642 4020 माइनस 136
4020 माइनस 120 माइनस 16 3884। तो देखिए काफ़ी सारी चीज़ें माइंड में रह रही है और वो जो माइंड की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ रही है ना वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैंने किया क्या, 67 × 60 − 67 × 2। अब 67 × 60 वापस दिमाग में, 60 × 6, पहले 67 × 6 करना था तो मैंने किया और ये पूरे को जब × 10 करूँगा, पहले 67 × 6 फिर पूरे को × 10, तो 60 × 6 प्लस 7 × 6 फिर पूरे को × 10 और माइनस 67 × 2, तो आई थिंक वो भी मैंने ऐसे ही किया कि 60 × 2 प्लस 7 × 2, तो एज सच ये पूरी चीज़ें है ना आपके माइंड में चल रही है, वो आप सोचिए। तो 360 42 420 अरे 402, तो 4020 माइनस 120 एंड 14, तो 134, तो 4000, और इसको भी मैंने कैसे किया, 4020 माइनस 120 माइनस 14 134 के दो टुकड़े कर दिए, तो ये 3900 माइनस 14 3884। ये पूरी चीज़ माइंड में है ना, तो ये प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इससे आपका लॉजिक डेवलपमेंट होगा। ऑफ कोर्स आप ऐसे तो कर ही सकते हो कि 67 × 58 भी एग्ज़ाम के लिए आप ऐसा रट्टा मार लो चलेगा, 7 × 56 = 6 5 केरी, अंदर अंदर 35 प्लस 48 तो और प्लस 5 तो 88 × 8 8 केरी, पहला पहला 30 और 8 38 3886। देखिए हाँ सॉरी मैंने ये 14 3886 ही होता है सॉरी है ना, जस्ट वो देखिए एक छोटी सी भूल, मतलब यहाँ पे भी है ना, पर इसमें भूल नहीं होती तो ऑफ कोर्स ये सेफ है, मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में ये कीजिए, बट ये क्योंकि माइनस 14 करने में देखिए अब मैंने जल्दबाजी में समझाते हुए थोड़ा है ना, क्योंकि देखिए लैप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा भी हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे 46 × 8 320 और 48 3680 सो 3634 है ना, ठीक है, तो मैंने क्या किया 46 × 80 माइनस 46, ये वापस वही 40 × 8 प्लस 6 × 8 × 10 एंड माइनस 46, क्लियर है, सो 3680 माइनस 46 3634, पूरी चीज़ माइंड में। ऑफ कोर्स आपके लिए 46 × 79 6 × 9 54 × 4 5 केरी, अंदर अंदर 42 बाहर बाहर 54 54 42 96 प्लस 5 एक सेकेंड 42 एंड 54, हाँ सही बात है 40, तो मेरा आंसर क्यों अलग आ रहा है, एक सेकेंड 6 × 9 = 54 5 केरी वो ठीक है, 42 प्लस 54 96 प्लस 5 101 × 1 10 केरी, 4 × 7 = 28 और 10 = 38, अलग क्यों आ रहा है एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने, एक सेकेंड 46 × 8 320 और 48 3680 3680 सिंपल ही तो है माइनस 46, यहाँ पे कहाँ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, 6 × 9 = 54 5 केरी 42 अरे 36 है यार, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, 42 एंड 36 78 एंड 5 है ना 83 × 3 8 केरी और 4 × 7 = 28 एंड 8 36, हाँ पता नहीं इस बार मैं वहाँ पे गलती कर रहा था, आई डोंट नो मैं क्या बोल रहा था मुझे भी नहीं पता, 9 × 4 = 36 ही तो होता है ना, हो जाता है भाई माइंड अब थक गया लगता है ना, मैं लगातार ये तीसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई बात नहीं चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे 76 × 85 तो आई वुड से 7600 माइनस 1140 6460 है ना, तो देखिए सब माइंड में चल रहा है, मैंने किया क्या 76 × 100 माइनस 76 × 15 अरे 15 सॉरी बोल रहा हूँ 15 लिख रहा हूँ 18 तो 7600 माइनस 76 × 15 कैसे कर लिया, तो वो मैंने किया 38 × 30 इसका आधा कर लिया माइंड में 38 और इसका डबल कर दिया 30, जिससे कि 38 × 3 114 और 0 आ जाए तो ये 1140 और ये जब माइनस किया तो 6460। तो ये लेवल आप मेहनत कीजिए हो सकता है,
ऑफ कोर्स आपके लिए रट्टा मारू मेथड तो ये है ही है, 76 × 85, 6 × 5 = 30 का 0, 3 केरी अंदर अंदर 48 × 35 = 51, 86 का 6, 8 केरी 7 × 56 = 8 = 64, है ना, देखिए सेम आंसर फाइन। तो देखिए मेथड ये रट्टा मारू है, लेकिन इसमें आपका क्या है कि बेसिक थोड़ा ट्रेडिशनल तरीके का मेथड है, लेकिन जल्दी हो जाएगा, इसमें थोड़ा लॉजिकल है। तो मैं भी मानता हूँ कि कोई बार आप ये मत करो, पर अभी के लिए प्रैक्टिस के लिए सोचिए कि कितना ये इफेक्टिव होगा, आपका माइंड कितनी सारी प्रैक्टिस उसको हो जाएगी कि डेटा स्टोर करने की, है ना, वो डेटा स्टोर जो करते हैं वर्किंग मेमोरी इंप्रूव होती है, वो बहुत ही ज़रूरी है। ये तो आई थिंक आसान है, 6800 − 136 = 272, 6528, है ना। तो देखिए पूरी चीज़ माइंड में, 68 × 100 − 68 × 4 तो 6800, और 68 × 4 किया, 68 का डबल का डबल किया, 68 का डबल 136, 136 का डबल 272, और फिर ये तो हमें प्रैक्टिस की है ना आगे वाली भी, पहला वीडियो किया है तो 6528, है ना। ऑफ कोर्स आप इसको भी रट्टा मारो मेथड 68 × 96 शांति से देखना, लास्ट डिजिट 8 × 6 = 48 का 8, 4 कैरी अंदर अंदर बाहर बाहर 72 = 36 = 108, और ये 4 112 का 2 और अब 11 कैरी, देखना 112 का 2 11 कैरी, फर्स्ट 6 × 9 = 54 और ये 11 65, सो 6528 सेम आंसर। पर देखो ये मेरे हिसाब से तो आसान था, है ना, तो मैं ज़्यादातर डिपेंड करता है भी नंबर के ऊपर, मुझे लगे कि ये लॉजिकली टफ लग रहा है तो मैं ये रट्टा मारू मेथड करता हूँ, बाकी लॉजिकल मेथड कर लेता हूँ। ओके, सो क्रॉस क्रॉस वन वाला या क्रॉस क्रॉस दो डिजिट इंटू वन डिजिट या 2 डिजिट × 2 डिजिट, आई होप यू आर गेटिंग दिस, है ना, इस पर कंफर्टेबल आप हो चुके हो। देखिए अगर आपको ये चीज़ बहुत ही टेक्निकली स्टेप बाय स्टेप पढ़ने का अगर डेमो देखना है कि हम किस तरह से ऐप पे पढ़ाते हैं, है ना, ये तो आप YouTube पे देख रहे हो शायद, तो ऐप पे अगर पूरा देखना है तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा हट जाता हूँ, पूरी प्रोसेस समझा देता हूँ। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो प्ले स्टोर पर बीटीट्यूड सर्च करिए और ऐप डाउनलोड कीजिए, लॉगिन करने के लिए यूज़ अनदर मेथड पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कीजिए। लेकिन अगर आप आईफोन यूज़ करते हो तो ऐप स्टोर पर क्लास प्लस सर्च करके ऐप डाउनलोड कीजिए, ऑर्गेनाइजेशन कोड की जगह ZJIXU टाइप करें और अपने मोबाइल नंबर के साथ साइन अप करें। साइन अप करने के साथ ही आप बीटीट्यूड के होम पेज पे आ जाते हो। अब आप स्टोर टैब पर क्लिक करें और कोई भी फुल कोर्स को खरीदने से पहले आप सिर्फ 10 रुपए में कोई भी कोर्स का डेमो खरीद सकते हो। तो देखिए ये जो डेमो लेक्चर्स होते हैं इसमें बहुत सारा जो डेमो पूरा कोर्स है ना, मिनिमम 25 वीडियोस है, असाइनमेंट्स होंगे, टेस्ट होंगे, तो आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप सीखने का आइडिया मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आप वो देख लीजिए और अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो तो फिर फुल कोर्स भी आप ले सकते हो, फाइन। और राइट देन देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिवीजन वाला, पहले सिंगल डिजिट से डिवाइड करना सीखेंगे, फिर डबल डिजिट से, पर ट्रेडिशनल तरीके सीधा माइंड में चलना चाहिए, मेन चीज़ और कुछ नहीं है, लॉजिक आपका डेवलप होना है, काफ़ी सारी चीज़ें आपके माइंड में याद रहती है कि नहीं, वो वर्किंग मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, फाइन। तो ये चीज़ हम नेक्स्ट देखेंगे, और ये रट्टा मारना तो भूल नहीं गए, इसलिए ये पूरा मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ये रट्टा मार लीजिए, ये सब चीज़ें रट्टा नहीं मारोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, है ना, और आगे भी ये चीज़ काम आती रहेगी। ऑलराइट देन, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।